तो आज हमारे साथ इस बहस में जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक ए के मिश्रा। ए के मिश्रा जी, पहले आपके पास आऊंगा, आखिर क्यों बढ़ रहा है राजनीति में अपराधीकरण? देखिए आजाद जी, मैं आपको बताऊं, इस पे बहुत डिबेट पहले भी हो चुकी है जी। अपराध और राजनीति, इन दोनों का इतना चोली दामन का साथ है। अगर हम कालांतर में जाएं 10 साल 20 साल 25 साल पहले जी, तो सत्ता को पाने का जो सबसे अभीष्ट तरीका जो नेताओं को लगता था ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध या अपराधियों को शामिल करने का था। कानून व्यवस्था कुछ इतनी लचर थी, या आप ये बोलिए संविधान में कुछ जो प्रोविजंस हैं वो इतने कमजोर थे कि वो उन कमजोरियों का फायदा उठा के या तो उनको वो डायरेक्ट टिकट दे देते थे। दूसरी चीजें ये हैं कि और कई तरीके से पूरे चुनाव को, पूरे इलेक्शन को अपने एरिया में मैनेज करने या करवाने के लिए इनसे बढ़िया, यानी अपराधियों से बढ़िया, क्योंकि उनके पास पैसे की भी ताकत होती थी, बाहुबल भी होता था, सारी चीजें होती थी। तो श्योर शॉट विक्ट्री का जो सबसे बढ़िया तरीका नेताओं को लगता था, वो लगता था कि आप अपराधियों को अपने पार्टी में रखिए, क्योंकि अल्टीमेट गोल किसी भी पार्टी का जो होता था वो होता था चुनाव जीतना। आप कोई भी पार्टी उठा के देख लीजिए, मैं बोलता हूं बीजेपी की बात करते हैं, जो स्वच्छ राजनीति की बात करने में सबसे आगे रहती है, संसद में 34 से 35% है। सीना ठोक के 8 बजे रात को नोटबंदी कर दी जाती है, इतना साहसिक डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन उन्हीं प्रधानमंत्री जी से पूछिए कि इतनी बहादुरी से आप रात को 8 बजे ऐलान कर सकते हो कि मेरे जो है सरकार में जितने दागी नेता हैं, आज 8 बजे के बाद सबकी सदस्यता जो है खत्म की जाती है। कोई भी पार्टी इस चीज पे कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। वैभव अग्रवाल हमारे साथ है बीजेपी से। वैभव जी, ए के मिश्रा जी ने बड़ा सवाल उठा दिया है कि अगर नोटबंदी जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री एकदम ले सकते हैं, तो ऐसे लोगों को बाहर करने का रास्ता क्यों नहीं दिखा सकते? दीपक के तले अंधेरा वो नहीं हटाएंगे, बाहर बाहर की सारी बातें होंगी, चिराग तले अंधेरा दूर करिए ना। वैभव जी बोल रहे हैं जी। देखिए ऐसा है कि मुझे 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 ये लगता है कि मिश्रा जी किसी और चीज़ का गुस्सा वो प्रधानमंत्री मोदी पे उतार रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कटाक्ष के सर मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, प्लीज उसके अंदर आप ही के सिद्धांत की बात मैं कर रहा हूँ, आप ही के सिद्धांत को मैं याद दिला रहा हूँ, मुझे बीजेपी कांग्रेस से मतलब नहीं है। जी वैभव जी, मिश्रा जी मैं मेरे को बोलने का समय दीजिए। आप जब बोल रहे थे तो मैं बड़े आराम से आपकी बात सुन रहा था, कोई मतलब नहीं है एक दूसरे की बात को काटेंगे तो दर्शकों का नुकसान होगा, मोहम्मद भाई की आवाज नहीं पहुंचेगी, चैनल तक की आवाज नहीं पहुंचेगी जी। सो बात बड़ी सिंपल सी है कि जहां तक दागी नेताओं को हटाने की बात है, भाजपा में सबसे कम दागी नेता हैं, और वो इस चीज का रिजल्ट करते हैं कि कहीं पे किसी स्तर पे नहीं, मल्टीपल स्तरों पर हम लोग दागपन को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। अब राजनीति क्या होती है? राजनीति पार्टी के चॉइस से नहीं होती है, राजनीति उन नेताओं से होती है जो जनता चुन के भेजती है। क्या तो यदि वो अगर अपनी पार्टी चेंज करते हैं तो आप ऐसे दागी नेताओं को क्यों टिकट देते हैं सर? आप क्या लॉजिक दे रहे हैं सर? बच्चों वाली बात कर रहे हैं। ठीक बोलिए। चलिए मिश्रा जी, आप ही बड़े बन जाएं, मैं तो 12 घंटे दिन में टीवी पे बिताता हूँ, है ना? तो ठीक है, भाजपा का पक्ष रखते हुए आपको ज्यादा अकल है, आप बन जाएं बड़े। आप बात आपको ये लग रहा है बोलिए, मेरे साथ पहली बार डिबेट कर रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप मेरी बात दबा सकते हैं? ठीक है बोलिए, थोड़ा आराम से रहिए आप मेरे साथ। ठीक है मिश्रा जी, बोलने दी, बीच में नहीं, अब फिर मौका दूंगा, लेकिन बीच में नहीं। हाँ बोलिए वैभव जी। नहीं बच्चों वाली बात है तो ये ज्यादा बड़े वाली बात कर लेना, इनको ज्यादा ज्ञान है मेरे से। तो ठीक है वो चुप है, आप जवाब दीजिए। क्या उठाई गिरोह की तरह बात कर रहे हैं? अरे सर नाराज क्यों हो रहे हैं? ठीक है मिश्रा जी, वैभव जी इसलिए नाराज हो रहे हैं क्योंकि आज तो फिर आप क्या किस तरह बात कर रहे हैं? अरे सर आप लॉजिक की बात करिए ना। ठीक है ठीक है वैभव जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए, आपके जवाब देने का समय आया है, लोग पूछ रहे हैं। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगा। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है, आप एक मिनट मेरी बात समझिए, मेरा डिबेट करने का तरीका जो है वो एक जू के अंदर नहीं होता है, मछली बाजार के अंदर नहीं करता मैं डिबेट। बोलिए बोलिए, ठीक है जवाब दीजिए। मैं एक दायरे में रह के बात करता हूँ, मैं पर्सनल। बोलिए बोलिए, ठीक है ठीक है। तो ऐसा है कि राजनीति चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी जन प्रतिनिधित्व जो करता है उसके अंदर जो प्रतिनिधि आता है वो जनता के द्वारा चुनावा प्रतिनिधि आता है। यदि जनता की आवाज वो राजनीतिक दल नहीं सुनेगा और हम इस तरह छटनी करना शुरू कर देंगे
तो जनता जिसको ऑलरेडी चुन चुकी है, जिस समय चुन चुकी है, हम जनता की आवाज को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, अब बात सिर्फ इतनी सी है कि कौन सी पार्टी में कम है और कौन सी पार्टी में ज्यादा है। जिस समय जिस पार्टी में जिस जनता के इलाके से जो जनप्रतिनिधि आया उसको वो पार्टी ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो जनप्रतिनिधित्व होता है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, जान के दागी नेताओं को अपने अंदर नहीं लाती। ये मेरी सोच है, क्योंकि भाजपा नहीं लाती है, तो मैं ये समझता हूं कि ये सिर्फ समय समय की बात है और हर पार्टी चाहती है कि साफ सुथरी राजनीति करी जाए। देखिए कांग्रेस में राहुल गांधी आए, कांग्रेस ने राहुल गांधी, ठीक है, ब्रेक का वक्त हो गया है, वैभव जी फिर आपके पास आऊंगा। बहन मायावती की बड़ी बात पता है सबको, एक ब्रेक का वक्त हो गया, आपके पास फिर आता हूँ। टिकट तो राजनीतिक पार्टियां ही देती हैं, तभी वो जीत कर आते हैं, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर आपके पास आऊंगा और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। क्या लगाई जा सकेगी दागियों पर लगाम? अभी वैभव अग्रवाल ने यहाँ कहा कि चुनाव जीत कर आ जाते हैं। यहाँ मेरा कहना ये है कि टिकट राजनीतिक पार्टियां देती हैं, तभी वो जीत कर आते हैं। अगर टिकट ना दिए जाएं तो पापड़ बेलने पड़ जाते हैं, बड़ी मुश्किलों से कोई इक्का दुक्का निर्दलीय जीत कर आता है। चंद्रमोहन जी, देखिए, कितना सहमत है आप इससे और क्या लगाम लगाई जा सकती है दागियों पर? बिल्कुल आजाद भाई, मैं इस बात से सहमत हूं कि लगाम लगाई जा सकती है, और लगाम की 70 साल की राजनीति के अंदर आज देश बीजेपी पे निगाहें गाड़ कर देख रहा है, क्योंकि बीजेपी, वैभव जी आपने जब 70 साल की राजनीति का दुहाई देखे, खाली वैभव जी की पार्टी में नहीं है दागी, दागी सभी पार्टियों में, किसी में बात करूंगा ना, लेकिन 70 साल की दुहाई देखे, 2014 में वैभव जी की पार्टी और वैभव जी जैसे बड़े नेताओं ने एक स्वच्छंद राजनीति और स्वच्छंद सिस्टम को बनाने की बात कही थी, आज उस चीज में वैभव जी आप बिल्कुल धराशायी हो चुके हैं। यही कारण है कि अगर आपके अगेंस्ट कोई बात बोलता है और वो भी ऐसा आदमी जो बुद्धिजीवी है, जो किसी तरह के किसी पार्टी का नहीं होता और बैलेंस में रह के वो कटाक्ष विपक्ष को भी करता है और प्रतिपक्ष को, वैभव जी आपके साथ मेरी बहुत डिबेट होती है, आप इसको जनता के मुद्दे से देखें तो बड़ा अच्छा लगे। वैभव जी आपके साथ बहुत डिबेट होती है, मजे से बात करेंगे और तर्क से बात करेंगे। देखिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो दोनों लेवल के ऊपर बात करता है, उसके लिए प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष दोनों बराबर होते हैं। उसका काम है देश की जनता को ये बताना कि प्रतिपक्ष सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है। अगर आज की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आप लोग जो बीच के लोग हैं, जो ऐसे बुद्धिजीवी, उनको आप बोलने नहीं देना चाहते, सबसे बड़ा आज लोकतंत्र के अंदर ये शर्म होनी चाहिए आप लोगों को। अगर एक ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कोई बात कहता है, अगर आप उसके ऊपर किस तरह का लांछन लगाते हैं तो इसका क्वेश्चन आपको आने वाले समय में देना है। दूसरी बात, आपने ये बात बोली, वो बात खत्म हो गई, चंद्रमोहन जी बात खत्म हो गई, हम बात कर रहे हैं दागियों पर लगाम लगाने की। आजाद जी, ठीक है, ठीक है, पार्टियों के लिए कितने जरूरी हो गए दागी, ठीक है, एके मिश्रा जी, एके मिश्रा जी, आपने एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा था, ये मानते तो सब ये है कि भाई ये चीज नहीं होना चाहिए, सारी पार्टियां बोल रही है, क्वेश्चन ये है जो आपने पूछा, ये पॉसिबल है कि नहीं है? आप ये देखिए, आज समाजवादी पार्टी थोड़ा गेस्ट हाउस कांड करने वाली पार्टी के नेता आज बीजेपी को बोल रहे हैं और ये कांग्रेस वाले भी इस चीज पे, एक मिनट से सुन लीजिए, बीजेपी गुंडे पैदा कर रही है, कांग्रेस वाले जो सड़कों पे उत्पात मचा रहे हैं वही कल भाजपा के नेता होंगे जो आज माहौल लिंचिंग कर रहे हैं, जो गाय चोरी के नाम पे, जो गाय के नाम पे, भैंस के नाम पे हत्याएं कर रहे हैं, उन लोगों को नेता बना रही है भाजपा, एक नया देश बनाने जा रही है भाजपा। वो तो सब छोटी बातें हो गई, मुजफ्फर जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, हाँ सरकार गिर जाएगी अगर आप सारे दागी के काम हटा दो, कोई सरकार ही नहीं बना पाएगा। ये है हमारे देश के नेता, सर हम नेता नहीं है सर, नेता आप बैठे हो, चल चल चलिए, शालीनता से जनता का राजनीतिक विश्लेषक है मिश्रा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, राजनीतिक विशेषज्ञ है, उन्होंने आप बात को देखिए, राजनीति का प्रचंड यही कहता है राजनीति के अंदर, आप बात को समझ ही नहीं रहे, विशेषज्ञ आपको भी कुछ कहे और हमें भी कुछ कहे। अगर देश के अंदर एक अच्छा राजनीतिक वातावरण बनाना है तो इन राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उनको बोलना, उनका लिखना और उनका दिखाना सब कुछ होना चाहिए। आपकी सरकार में होते हुए इसी चीज में ठीक है मिश्रा जी, मिश्रा जी मैं बताता हूँ, 1581 उनके नेता में, अगर बीजेपी में भी है, कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, मिश्रा जी लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है, एक बहुत यार्ड स्टिक वाला डिसीजन है,
और सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के मुझे लगता है कोई ऐसे जो है शुद्धिकरण का कोई तरीका या कदम ही नहीं ले रहा है। यहाँ टेक्निकल इशू देखिए क्या है, न्यायपालिका अपना डिसीजन तो दे देगी सुप्रीम कोर्ट, ग्राउंड जीरो पे इंप्लीमेंट कौन करता है, वो कार्यपालिका करती है, पुलिस करते हैं, पुलिस और नेताओं की जो मिली भगत है, तो ये पार्शियल सक्सेस मिलने की। हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े अपराधी छूट क्यों जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट बहुत सही रहती है, सारे जज बहुत सही रहते हैं, लेकिन जो जिन लोगों को सारे सबूत इकट्ठे करने हैं, इन्वेस्टिगेट करना है, नेता लोग जो है इस तरीके से प्रेशर बनाते हैं कि वो बरी हो जाते हैं। देखिए ये काम होना क्यों चाहिए, मैं आपको बताऊं, हमारे सारे नेता इतने शॉर्ट साइटेड होते हैं ना, दागी लोग अगर सत्ता में आ जाएं तो कितने बुरी तरीके से देश को नुकसान होता है, एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाता है, वो आदमी मंत्री बनेगा तो गवर्नमेंट को प्रभावित करेगा, पुलिस सिस्टम को प्रभावित करेगा, अपने फेवर के डिसीजन लेगा, चार और अपराधियों को बचाता है, तो ये अपराधीकरण का एक चैन रिएक्शन होता है। और ऐसा करने पे आप जनता के हकों का जो है मतलब आप ये समझ लीजिए हनन करते हैं, तो इसलिए ये चीज होना बहुत जरूरी है। मैं देखिए एक चीज से मैं इंप्रेस हूं, अखिलेश यादव ने ये पहली बार कदम लिया था, उन्होंने बोला था कि भाई अपराधियों को हम टिकट नहीं देंगे, और इलाहाबाद में अतीक अहमद जो एक दबंग नेता माने जाते हैं उनको स्टेज से उठा दिया था, वो जीते हारे वो दूसरी बात है, लेकिन ये कदम वाकई में पहली बार किसी नेता ने लिया था, भले ही इनकी पार्टी का पास्ट रिकॉर्ड कितना ही अच्छा या खराब हो। हाँ। इसी तरह का मैं बोलता हूँ, आप सारे लोग अच्छे काम करके भी आप चुनाव जीत सकते हो। राजीव गांधी ने क्या कोई ऐसा काम किया था, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चुनाव जीता, आप लोग अच्छे काम करके चुनाव जीतिए ना। ठीक मिश्रा जी, आजाद जी देखिए ये पूरा एक सिंडिकेट है और रैकेट है पॉलिटिकल पार्टियों का, सारे मिले हैं, और इस समस्या का अगर समूल हमें जो है जड़ से खत्म करना है ना, तो केवल एक विभाग, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका, विधायिका या कार्यपालिका हो, मल्टी लेयर फिल्ट्रेशन, यानी सुप्रीम कोर्ट ने इनिशिएटिव लिया, पॉलिटिकल पार्टियों को भी अब ये सोचना चाहिए कि हम अपने लेवल पे खत्म करें। और अल्टीमेट में पब्लिक को बोलना चाहता हूँ, आप जागो और आप देखो, अब तो सब पढ़े लिखे हैं, आप देखो अगर ये दागी है तो आप उसको वोट मत दो।